आज 27 मई का दिन है जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको नमन करते हैं और उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ, उस समय की जो मुझे याद है कि उनका स्वर्गवास हुआ था तो देश में कितना कोलाहल कोहराम मचा था। डिजिटल का जमाना नहीं था लेकिन याद मुझे आ रही है कि कैसे, जैसे ही 27 मई 2 बजे के बाद मेरे फादर को मैंने देखा कि वो रेडियो के आगे बैठे हैं और रो रहे हैं, क्योंकि उस टाइम रेडियो ही होता था जो खबरें देता था, या वायरलेस होते थे या रेडियो होता था। हम लुधियाना में रहते थे क्योंकि मेरा जन्म पंजाब का है, और चाचा नेहरू करते हुए हमें बहुत सारे गाने करवाए जाते थे या हमें बताया जाता था कि देश कैसे आजाद हुआ। तो मेरे फादर को जब मैंने रोता देखा तो मैंने पूछा उनसे कि बाबूजी की होया, कहते हैं प्रधानमंत्री जी चले गए। मैंने कहा प्रधानमंत्री? बोले चाचा नेहरू। मैंने कहा है उन्होंने की होया? कहते बस। मैंने कहा तो आप रो क्यों रहे हो? कहते वो हमारे प्रधानमंत्री थे, चाचा नेहरू। मुझे एकदम से झटका लगा और मैंने देखा कि सब जगह सन्नाटा है, सिर्फ लोग टीवी उस पे रेडियो पे ही बैठे हैं और पूरे देश में सन्नाटा छाया। मेरे फादर कहते सन्नाटा छा गया। मैंने तो हमने देखा हुआ था नेहरू को, तब देखा था कि पंजाब के अंदर जो सिखों के अस्त्र शस्त्र थे वो अंग्रेज ले गए थे और नेहरू जी ने उन अस्त्र शस्त्रों को वापिस लेके आए थे। तो वो पूरे लुधियाना में दरेसी परेड ग्राउंड में हमें ले गए थे कि ये जो है सिखों के अस्त्र शस्त्र हैं, जो भी थे, मुझे अब इतना याद नहीं आ रहा। लेकिन उस टाइम मेरे फादर को जब मैंने रोते देखा तो मैं भी अपने कपड़ों में घुस के बेड पे जाके बहुत रोई, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत थी जिसको हम खो के बहुत ही परेशान हुए थे। और आज भी मुझे उनकी वो याद आ रही है, क्योंकि मैंने फिर उसी टाइम अपने फादर को जाके बोला कि एन्ने ना रोवो। तो उन्होंने मुझे कहा कि आज बेटा 27 मई है, ये दिन याद रखना, और तू तो कविताएं भी बोल लेती है, क्या हुआ आज? तो हम मेरे एकदम मुंह से निकला कि 27 मई 2 बजे का समय मन हुस आया, साडा प्यारा चाचा नेहरू स्वर्गां विच सधाया, धरती कंबे आसमान डोलिया, तूफान अंत दा आया, इस मौत नू सुन के दिल सब दा घबराया, बच्चे रोण बुढ़े रोण नौजवान नू सी रोना आया, हाय साडा प्यारा चाचा नेहरू स्वर्गां विच सधाया। और उस बात का उस टाइम इतना दुख हुआ था, आज भी मुझे वो बचपन याद आ रहा है। मैं फिर से नमन करती हूँ और इन पंक्तियों के साथ आप सबको भी नमन करने का आह्वान करती हूँ, श्रद्धांजलि दें। प्यारे चाचा तेरे फूल हम लोग ये गाते थे उस टाइम, तेरे चरणों की धूल है हम, दिल तोड़ गए हमें छोड़ गए, सब अखियों में आंसू भरन, प्यारे चाचा तेरे फूल हम। एक बार से फिर से नमन।